नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने आज विदिशा में वेयर हाउस उचित मूल्य दुकानों का औचक निरीक्षण किया। वहीं वेयर हाउस में स्थापित हैंडपंप के प्लेटफॉर्म पर गंदगी देखकर अपने आप को सफाई करने से नहीं रोक पाए। मंत्री तोमर ने फावड़े से हैंडपंप प्लेटफॉर्म के कचरे की सफाई कर नहीं रुके, बल्कि नाली की भी सफाई उनके द्वारा की गई। उन्होंने मध्य प्रदेश वेयर हाउस लॉजिस्टिक कारपोरेशन, जो पुरानी गल्ला मंडी के समीप स्थित है, में पहुँच कर स्टॉक पंजी कार्यालयीन साफ सफाई के अलावा अग्निशामक यंत्रों वेयर हाउस में रखे अनाज की गुणवत्ता का परीक्षण किया। खाद्य मंत्री तोमर ने वार्ड क्रमांक 17 एवं 18 में संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान का औचक निरीक्षण किया। उक्त दोनों दुकानें बंद पाए जाने पर सेल्समैन के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए। वहीं खाद्य मंत्री के निर्देश पर वार्ड नंबर 17 की उचित मूल्य दुकान का खुलवाया गया और स्टॉक पंजी इलेक्ट्रॉनिक कांटा का परीक्षण उनके द्वारा कराया गया। इलेक्ट्रॉनिक कांटे का सत्यापन नहीं पाए जाने पर नापतौल निरीक्षक के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। थम मशीन से ये मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि 15 सालों में प्रत्येक कंट्रोल पर बोगस कार्ड है, और जो भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों का हक छीन के रखा था अभी तक, वो बोगस कार्ड अब निकल के आ रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, कौन सा जो पात्र हितग्राही है जो बिना राशन के नहीं मिले, दुकान से नहीं मिला है, वो नाम बताइए। नहीं, बुजुर्ग हितग्राही, मेरा कह रहा है बुजुर्ग हितग्राही, उसका नॉमिनी हमने फिक्स कर दिया। नॉमिनी की जानकारी दुकान है, है। अगर हमने ये भी कह दिया अगर नॉमिनी नहीं है तब भी उसको राशन पंजी पे मिलेगा। ये मैंने डीएसओ को, डीएसओ महोदय इधर आइए आप, ये मेरा आपको आग्रह है कि कोई भी बुजुर्ग अगर उसका अंगूठा नहीं आ रहा है तो बिना राशन के वापस नहीं जाएगा। ये मेरे स्पष्ट निर्देश है। और आपको मैं कह दूं कि गरीब का हक अब कोई नहीं छीन पाएगा, ये सरकार कांग्रेस की सरकार है। खबर समय जगत के लिए विदिशा से जितेंद्र सिंह के साथ पहलवान रघुवंशी की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।